हाय एवरीवन, नमस्ते, जय अम्बे। तो आज मैं कर रही हूँ नवरात्रि के लिए डांडिया गरबा लुक, और आप मेरा गेटअप देख के समझ ही गए होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा गुजराती ट्रेडिशनल लुक से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो मैंने लिप बाम ऑलरेडी लगा लिया और मैं फेस पे सबसे पहले ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का, जिससे जो पोर्स है वो थोड़े से ब्लर हो जाए और स्किन स्मूथ हो जाए। शेड अपनी लोअर लैश लाइन पे, हाफ लोअर लैश लाइन पे लगाया एंगल ब्रश की हेल्प से। अब मैं ये ब्राउन आई शेडो अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगा लूंगी एंगल ब्रश की हेल्प से, थोड़ी सी स्मोकीनेस क्रिएट करने के लिए। अब मैं पूरा आई मेकअप अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से, ताकि कोई भी हार्श लाइन्स ना दिखे। अब मैं ये गाल ऑफ लंडन की काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे एज अ आई लाइनर यूज़ करूँगी। तो मैंने इसे अपनी आईलिड्स के जो लैशेस है उसके पास लगा लिया है, और मैं इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। अब मैं ये मेबलिन का फॉल्सीज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे अपनी अपर और लोअर लैशेस दोनों पे बहुत अच्छे से लगा लूँगी, और मैंने इसके 2-3 कोट्स यूज़ करे हैं ताकि लैशेस बहुत अच्छे से वॉल्यूमिनाइज हो जाए। अब बफिंग ब्रश की हेल्प से जो भी मेरा एक्सेसिव ब्लूज पाउडर था उसको मैंने क्लीन कर लिया है। कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, और फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपनी चीक बोन्स के पास लगा रही हूँ, ताकि थोड़ी सी हाई चीक बोन्स लग सके। और फ्लैट ब्रश का मैंने यूज़ करा है ताकि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लगे, और मैंने इसे अपने फोरहेड पर भी लगाया, मैंने अपनी जॉ लाइन पर भी लगाया, वो वाली क्लिप इसमें आई नहीं है। और नोज़ पे भी मैंने इसे लगाया है, और मैंने जो ब्रश का फ्लैट फ्रंट साइड है उसे यूज़ करा है। ब्लश के लिए मैंने ये फेसेस का ग्लैमॉन ब्लश यूज़ करा है, और ये कलर इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आईब्राउज़ के लिए मैं ये मेबलिन का डुओ ब्राउ शेपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आईब्राउज़ थोड़ी सी शेप में नहीं है, तो मैं इसकी जो पेंसिल साइड है उसको अच्छे से लाइन कर लूँगी अपनी आईब्राउज़ को, और सामने भी थोड़ा सा फिल कर लूँगी जहाँ पे बाल कम है। अब मैं अपना लिप बाम हटा रही हूँ, और हाइलाइटर के लिए मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन का मूनलाइट हाइलाइटर, कौन सा हाइलाइटर है याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इसे अपनी ब्राउ बोन और चीक बोन्स के ऊपर यूज़ कर लिया है, ब्रिज ऑफ द नोज़ और थोड़ा सा फोरहेड पे और क्यूपिड बोस पे लगा लिया है। लिपस्टिक के लिए मैं ये एवॉन की क्रीमी मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड का नाम है मलबेरी, एग्जैक्ट नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो आप चेक कर, और ये शेड हर स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं ये मैचिंग मरून बिंदी लगा रही हूँ, और मैं ये पेन आईलाइनर की हेल्प से ये बिंदी बना लूँगी, ब्लैक डॉट्स जो बिंदी के नीचे मैंने डॉट बनाया है, और चिन पे भी मैं ये 3 डॉट्स बना लूँगी। और अब मैं ये अपना नेक पीस पहन रही हूँ अपने बाल करने से पहले, और बालों के लिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मिडिल पार्टीशन करके और इसे ट्विस्ट कर लिया है, बहुत ईजी है इसे बनाना, दोनों साइड से मैंने ट्विस्ट कर लिया है इसे, और बॉबी पिन की हेल्प से मैंने इसे सिक्योर कर लिया है अच्छे से। अब मैं अपनी ये बाकी की ज्वेलरी पहन रही हूँ, ये मैंने सिल्वर नोज रिंग पहन ली है, और ये मैंने इयर रिंग्स पहन लिए हैं अब जो काफ़ी बड़े हैं, और अब मैंने ये मैचिंग बैंगल्स पहन लिए हैं।
तो ये मेरा फाइनल लुक है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और उसके बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो। और मैंने ये साड़ी पहनी है और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मेरे पास लहंगा था नहीं तो इस वजह से मैंने ये अपनी मम्मी की साड़ी पहनी है। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।